अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वाला बरकातहू। मेरा नाम शेख ज़बीर है और मैं गुलजार मार्केट निर्मल महल से रहता हूँ, यहाँ पर क्वार्टर्स में हूँ। ख़ास तौर पर ये मेरी बीवी, इनके जो हर्निया का मसला है और इन्होंने गोल्डन जुबली में पहले मैडम थे और अब अपने कहना 3 साल से वो जॉब छोड़ दिए। अब इनसे कोई करना नहीं हो रहा, वजन उठाना नहीं हो रहा, चलना नहीं हो रहा, फिरना नहीं हो रहा। साहब ऐसा मेरे ने क्या है ना बोल तो 2-2.5 लाख रुपये चिल्लर खर्चा आ रहा और उनका हर्निया का क्या है ना बोल तो पूरी सर्जरी करना है और वो जाली का खर्चा और ये ब्लड का खर्चा, रूम का खर्चा और जो भी है गोलियाँ और ग्लूकोज और जो भी है अपने इंजेक्शंस और जो भी पूरे भारी भारी के आइटम देते हुए बोले मैडम। और पूरी सर्जरी पूरी ढीली हो गई, टाके पूरे लूज हो गए और उन्होंने सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते, 15 दिन का चांस दिए। और ख़ास तौर पर मैं अमजदुल्ला खान साहब से भी मैं अपील कर रहा हूँ और उनसे मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया के जैसे जैसे मेरे बड़े भैया ख़ास बड़े भैया हैं अमजद भैया, मैं आपसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, मेरी बीवी के लिए मेरी औकात नहीं है मैं 2-2.5 लाख रुपये लगाने की। मैं मेरे जो मैं इतनी भी परेशान हूँ ना, कोई पूछे जाना नहीं, पेंशन पर जीने वाला आदमी हूँ मैं और 3,000 रुपये पेंशन आता हर महीना और उसमें नहीं कि 2,000 रुपये क्या है ना किराया हो जाता। और ख़ास तौर पर ये करंट का बिल नहीं कि वो 1,000-1,500 वैसा बोलो वैसा डाल वो भी 3,000 पर चल जाते, इन दोनों देने से गुजारा होता भैया मेरा। और खुसूसन के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अनबन, मेरे मैं इतने भी पैसे जमा नहीं कर सकूँ, मेरे औकात भी नहीं है। मैं भी एजुकेशन हूँ और डिग्री पढ़ा हूँ, इंटर पढ़ा हूँ, 10th क्लास पढ़ा हूँ और मुझे भी ऐसे ऐसे आप जैसे लोगों ने क्या है ना साथ दिए तो मैं आगे यहाँ तक आया हूँ। फिर मैरिज हुआ, फिर बच्चे हुए, बच्चों के साथ साथ ये हालात के साथ साथ मैंने क्या है ना कुछ कर नहीं सका तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया। मेरे दो हाथ ऐसे हैं, फिजिकली हैंडीकैप ऐसा है कि मेरा सर्टिफिकेट 90% है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और लिहाजा मैं इतना कंकर भी नहीं उठा सकता हूँ, इतनी मजबूरी है मेरी। और ये जो घर है ना 2,000 का किराया है, अब ये मकानदार वाले भी निकल जाओ बोले और ये घर भी टूटने का अंदाजा है, आजकल मैं कब टूटता नहीं मालूम, पहले घर खाली करो बोले। और इसीलिए मैं क्या है ना भैया मेरी ये वीडियो को ये अपील को ख़ास तौर पर कबूल करो और मेरे अमजदुल्ला खान साहब हमारे भाई साहब बड़े भैया हैं और उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह के बाद मोहम्मद के बाद अब उनका जो मर्तबा है अब उनके पास ही आया था मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सिटी को, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर रह के भी कुछ बात भी नहीं कर सका पूरी मुकम्मल और वीडियो भी नहीं बना सका। और भैया ख़ास तौर पर भैया मुझे टाइम दिए थे 1 महीने के लिए और मैं आए थे, हमारे लोगों भी यहाँ पर आए हुए हैं निर्मल में, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, अकबर भाई साहब का और हमारे अख्तर मैडम का और उनके